न खाता न बही, जो केसरी कहे वो सही, ये राजनीतिक नारा एक वक्त में गूंजा करता था और ये नारा तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी के लिए था। साल 1967 था जब सीताराम केसरी बिहार के कटिहार से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। तब भी इसी तरीके की मलैया थी, कच्चे मकान थे, यही गरीबी थी, आम लोगों की समस्याएं भी हुई थी। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और कमोबेश समस्याएं भी वही है। कटिहार, जिसे जनसंघ का एक बड़ा गढ़ कहा जाता था, 1961 में जनसंघ ने पहली बार कांग्रेस को चुनौती देते हुए बिहार के कटिहार से ही लोकसभा का सीट जीता था। 2024 में एक बार फिर वही NDA बनाम इंडिया की राजनीतिक जंग है। डोर टू डोर का खास कार्यक्रम आप बिहार के कटिहार के संसदीय क्षेत्र से देख रहे हैं। मैं ऋषिकेश कुमार, आप News 24 के लिए डोर टू डोर का ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मौजूदा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से इंडिया के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर, जो इस इलाके से कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन तब उनकी पार्टी NCP थी, जो आज टूटकर अलग हो गई है। अब तारिक अनवर कांग्रेस से बतौर उम्मीदवार हैं। तो इस बार दुलाल चंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड से मौजूदा सांसद हैं और दोबारा NDA गठबंधन से प्रत्याशी हैं। जहां कहीं भी पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें खराब वोटिंग परसेंटेज की वजह से कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि ये चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर लड़ा जा रहा है। तो कटिहार के लोकसभा चुनाव में क्या है राजनीतिक मुद्दे? क्या इस बार फिर 2019 जैसा NDA कोई करिश्मा कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत टक्कर देगा? क्योंकि 43% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस कटिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस बात को लेकर घूमती है कि जब जब यहाँ धार्मिक तुष्टिकरण या ध्रुवीकरण होता है, यहाँ के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं, लेकिन जब ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं होती है तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी या NDA को हार का सामना करना पड़ता है। तो इस बार के चुनाव में क्या वाकई में तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण, सीमांचल जैसा CAA, NRC कोई जैसा कोई बड़ा मुद्दा है, या इस बार के चुनाव लोकल यानी क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? यहाँ के आम मतदाता क्या सोचते हैं? कटिहार से देखिए डोर टू डोर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है इस बार, मतलब जात बिरादरी पर ही है या कुछ लोकल इशू है, आप लोगों का मुद्दा है कि नहीं भाई ये होना चाहिए था ये नहीं हुआ, कोई मुद्दा है या नहीं आप लोगों के बीच में? नहीं, मुद्दा क्या है? अच्छा, काम कैसा किए हैं? अच्छा किए हैं, अच्छा किए हैं। लोकसभा का चुनाव है तो जानने के लिए क्या है चर्चा इस बार आपके घर में, गांव में, चुनावी चर्चा क्या है, मुद्दा नहीं लोग है? का तो मुद्दा यही है कि दुलाल चंद गोस्वामी को वोट दें तीर छाप में, जबकि तीर छाप और फूल छाप दोनों गठबंधन है, तो मान लीजिए जो भी उठे उसी को हमको वोट देना भाजपा का कैंडिडेट को। अच्छा, ये फर्स्ट फेज में जो पहला चरण का मतदान हुआ देश भर में तो वोटिंग बड़ा कम है, वोट परसेंटेज है जो पहले के मुकाबले बहुत कम है, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लोग वोटर निकल रहे हैं, क्या लहर नहीं है क्या कहीं किसी? नहीं नहीं, लहर तो था, असल बात है क्या, आदमी थोड़ा कन्फर्म नहीं था, अभी कन्फर्म है आदमी कि हमको वोट देना है। अच्छा, जितना प्रचार होता है उतना आदमी कम होता है, जितना कम प्रचार होता है उतना आदमी ज्यादा होता है। अच्छा, तो प्रचार कम हो रहा है? प्रचार कम है मतलब आदमी का लहर ज्यादा है। अच्छा, तो कटिहार में लहर है इस बार? लहर है, लहर है। तो मुद्दा है आप लोगों का या अब तय कर लिए हैं कि जात वाला है तो हम दे दिए? ऐसी बात नहीं है, जात और प्रजात नहीं, हमको पार्टी को देना है, जात और प्रजात को नहीं है। तो पार्टी BJP को? पार्टी BJP को, हम लोग जोर से हौस हवाल हुए हैं जब से वोट देने जो हुए, हम लोग BJP को इंतजार आए हैं। कैसा कॉम्बिनेशन है इस बार? बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मतलब उस तरफ कौन है, आपके तरफ कौन है? हमरे तरफ है सब, हम आपको बोले ना शेरशाहवादी छोड़ करके और जो भी हल्का फल्का जो ज्यादा है वो छोड़ करके बाद बाकी सब कंप्लीट है, बाकी सब है, सब है। चलिए ठीक है, कुछ और जगहों से कुछ और चुनावी चर्चा को आपके बीच दिखाते हैं। कटिहार लोकसभा से इस बार कौन होगा लोकसभा का सांसद?
क्या है इस बार का माहौल कटिहार का? कटिहार का माहौल तो इस बार RGD सर होगा, ताड़ी कन्वर का, उसी का पार्टी का है। अच्छा अच्छा, तो ये यादव और मुसलमान के अलावा कौन वोट दे रहा है ताड़ी कन्वर जी को? बात तो नहीं बता सकेंगे सर, हम तो यादव को वोट देते हैं, बाकी कौन किसको दे रहा है इससे हम क्या बताएं। कटिहार का यादव RJD के साथ है, अररिया का यादव BJP के साथ है, अभी बात हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम तो यादव को ही वोट देंगे। हरिजन में सबसे ज्यादा ध्यान देता है सरकार, इसलिए कि हरिजन का ज्यादा वोट होता है। अच्छा, ठीक है। और ST में नहीं होता है, मगर हरिजन में कहाँ, देख लीजिए कहीं नल दिखा रहा, यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ जाइए, कोने तक कहीं भी एक नल का मिल जाए। 5 किलो अनाज नहीं दिया है? कौन दिया है? मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो अनाज है। आप मेरा नाम बोलिएगा, जितेंद्र कुमार सोनी बोल रहे हैं, ठीक है। सरकार हमको एक किलो अनाज देते, नहीं मिला। इस बार क्या होगा ये बताओ ना। कटिहार में RJD निकलेगा। RJD बोल दिया ना, RJD निकलेगा। अरे आधा लोग बोल रहा है कि नहीं RJD निकलेगा, आधा कौन बोल रहा है? समाज में हम ही लोग ना बोलेंगे? 17 साल में क्या किया नीतीश कुमारी, बताइए क्या किया? क्या किया 17 साल में? तेजस्वी यादव जो नौकरी, मेरा बात सुनिए सर, तेजस्वी यादव जो नौकरी दिया, के को ज्यादा को नौकरी दिया? सब लोग को ठंडा पिलाओ। को ज्यादा को नौकरी दिया है? कोई जादीबाजी किया है वो? लेकिन नीतीश कुमार किसको वोट, किसको दिया आज तक, मतलब नौकरी 17 साल में किसी को नौकरी दिया? ने कहा 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 4 लाख नौकरी देने काम किया है, किया भी। नीतीश कुमार ने कहा कि घर बिहार पुलिस में एग्जाम दिया, उसको कैंसिल करवा। नीतीश कुमार ने कहा घर घर नल दिए, घर घर नली दिए। आप है ना सर, देखिए ना चापा कहाँ है नल, देखिए टेबल है नल कहाँ है, देखिए तो खाली घोटाले होता है। हाँ, खाली घोटाला। आप बोलता है RJD चारा घोटाला। वो कौन घोटाला कर रहा है? तो देखिए कि चुनावी मुद्दा इस बार राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव में भले ही मैनिफेस्टो बनाया गया है, लेकिन जो 7 निश्चय बिहार में था, जिसको जो घोषणा पत्र केंद्र के घोषणा पत्र में भी शामिल था, घर घर नल, पक्का पक्की गली, रोजगार, ये सभी मुद्दों को लेकर वोट जरूर मांगे जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस हरिजन बस्ती की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अलग अलग बिरादरियों के लोग रहते हैं, और ये अक्सर गांव से सटा हुआ टोला होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा 5 किलो अनाज या फिर उन्हें इंदिरा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जाता है, उज्ज्वला योजना के बारे में बात की जाती है, लेकिन हकीकत क्या है, फसाना क्या है, आप इन्हीं लोगों की जुबानी सुन रहे थे। कुछ और जगहों से 2024 के चुनावी रण में क्या आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है, और उन मुद्दों का हकीकत क्या है, उसका फसाना क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कटिहार लोकसभा से दिखा रहा हूँ। कुछ और जगहों से कुछ और मतदाताओं को सुनिए, इस बार की चुनावी चर्चा में उनके मुद्दे क्या हैं और उनकी पसंद कौन है। महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है, यहाँ की सरकार ने कैसा काम किया है? नहीं, आज महिला भी है, ये जो है ना मंत्री, प्रधानमंत्री जो है, हाँ। वो भी आज ADXN को कुछ दिन के अंदर वो अपने अंदर कर रही है और जॉब देने वाली है, हाँ। आगे वैकेंसी भी निकालने वाली है। ये बताइए चुनाव पर कुछ है आप लोगों की राय? अभी चुनाव पर है, जो अच्छा है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको दिया जाएगा। कौन अच्छा काम कर रहा है यहाँ? तो अभी तो हमारे लिए, अभी हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हम तो अभी जिसमें है, जिस कंपनी में है, बस वो हमारे लिए बेस्ट है। कैसा काम कर रही है सरकार? बढ़िया कर रहा है। कौन अच्छा कर रहा है? मोदी सरकार कर रहा है बढ़िया। मोदी सरकार। आप? आप क्या, हम क्या, हम लोग तो सब चीज खरीदिए खा रहे हैं। 5 किलो अनाज नहीं मिलता क्या? 5 किलो अनाज से जिंदगी कट जाएगा? सरकार को तो लगता है कि 5 किलो अनाज से आपका कटेगा सर? 5 किलो अनाज देता है, कितना दिन खाएंगे बताइए, कितना दिन खाएंगे? गरीब आदमी सब दिन तो खटिए खाते हैं, सब दिन खाते हैं, उसमें बीमारी है, उसमें हर चीज है, बाल बच्चा की पढ़ाई है, हर चीज है, अब बताइए हो जाएगा? बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए सरकार कह तो रही कि स्कूल में हमने यहाँ सबसे ज्यादा साल भर में कभी कताल संजोग आता है, कहाँ आता है? नहीं आता है। अच्छा, कहाँ आता है? तो ये नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों के लिए नहीं कुछ काम किया है? देखिए कुछ नहीं है, हम लोग को पास कमाते हैं, खाते हैं, खेती गृहस्थी में जाते हैं, बस हम लोग को वही है। बाल बच्चा का बाल बच्चा हो गया, टकरा घर द्वार कुछ नहीं, ओ सखले मोदी सरकार, नीतीश सरकार, सबका पूर्णिया जाए पूर्णिया जाए कोई कुछ दे नहीं।
हम गरीब छे निधान गरीब आए तो तुम तो देखो जरूर तो इसीलिए तो आए हैं आपके पास कि सरकार कैसा नीतीश कुमार मोदी कैसा कर रहे हैं। पहले तो बढ़िया कर रहे नीतीश। अच्छा जहिया से मोदी ढुकले तहिया से ये मोदी ढुक गए तो कब की क्या मक्का कितना बेच के करिएगा। ये मक्का के कहते उला के पीस के खेबे तो सरकार अनाज नहीं देती आपको। तो 5 किलो तो 5 किलो दिना खेबे बेटा काय दिन काय दिन खेबे यह बात हमरा कहा निसाब। तो वोट वोट देती थी ना पहले तब की पिछला बार किसको दी थी क्या ने क्या कहे थे मोदी के इस बार का क्या करा देबे आप पता लगते तब ना नीतीश के देबे होगी बर्बाद। नीतीश देखो पक्का उठाई देलके। अरे तो नीतीश मोदी तो साथी है मामा के नीतीश मोदी तो साथी है तो आप जो आया है ना अभी वोट का समय दोनों गठबंधन होगा। नमस्ते हम लोग दिल्ली से हैं सर News 24 से। अच्छा अच्छा चुनाव चल रहा है पहला चरण हो गया दूसरे चरण में तो कटिहार आम लोगों के बीच में हम लोग आते रहते हैं बात करते हैं आम मतदाता से। नेताओं के पास कम जाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास अपना एजेंडा होता है जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि इस बार का क्या है चुनावी माहौल चर्चा देखिए जी हाँ इस बार जो है जो स्थिति है आम जनता अभी खामोश है लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि महंगाई से त्रस्त आम जनता महंगाई से त्रस्त है। गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल इसका कीमत देखिए आप। हम लोग तो रूरल क्षेत्र में हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट है मतलब कि जो है जीरो लेवल के लोग व्यक्ति से तो चुनाव में एक चीज़ निश्चित है कि इस बार जो है परिवर्तन तो चाहिए रहा है। मोदी जी फैक्टर हैं चुनाव में राम मंदिर 370 गांव में क्योंकि हमको लगता है टीवी देखने वाले ज़्यादा लोग इंटरनेट वाले ज़्यादा लोग तो ऐसा कुछ है माहौल इस बार मुद्दा या फिर लोकल लेवल पे चुनाव हो रहा है। नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं है लेकिन जो देखिए धर्म का भावना तो हर हिंदू में रहता है लेकिन मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर वोट होगा। चलिए शुक्रिया जी जी। तो कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के मन की बात आपको दिखाएंगे। कटिहार संसदीय क्षेत्र से आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। कटिहार संसदीय क्षेत्र जहाँ 43% मुस्लिम आबादी है 8-10% यादव आबादी है और आम तौर पर जब बिहार के जातीय गणित को देखेंगे तो मुस्लिम यादव माय समीकरण की बार बार चर्चा होती है। इस बार पहले चरण में कम मतदान सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सिरदर्द है और दूसरे चरण का जब मतदान होगा तो सब लोगों के जेहन में और सभी पार्टियों की कोशिश है कि अपने मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बूथ तक निकालें और News 24 भी उन मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वोट चाहे आप किसी को दें काम आप किसी का पसंद करें लेकिन अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के मन की बात डोर टू डोर का एक खास कार्यक्रम कटिहार से कुछ और जगह को ले चलते हैं। कटाव क्षेत्र का आदमी है हम लोग। कहाँ से हैं? कढ़ा वाला घाट गंगा किनारे पे है। कटाव हो गया गांव। अच्छा गांव कट गया है। वोटर नहीं अभी अभी आप लोग हैं? वोटर हैं हम लोग। अच्छा हाँ वहीं से वोट गिराते हैं हम लोग सब दिन वोट गिराते हैं। कहाँ से? दो तीन जगह हम लोग को बदल गया गंगा किनारे में जगह चला गया अभी। अच्छा, हम लोग गंगा के कटान में आपकी जमीन चली गई? चली गई। तो आप लोग फिर इधर आ गए? ये सरकारी जमीन है रोड साइड है ये सब सरकारी है वहाँ तक इसी में हम लोग रहते हैं। कितना बस्ती कितना घर है आप लोग? ये यहाँ से कढ़ा घाट से लेके फुलवरिया तक जो है ना सब कटाव वाला है। कितना ले लिया जमीन इंतजार करते करते कितना नहीं लिया है। अच्छा। यही बात हाँ अभी हम लोग PW में रहते हैं। इतना नेता बदल गया मतलब कोई हम लोग को नहीं देखा सब रंग का नेता आया। तो कटिहार में सबसे अच्छा नेता कौन है? कटिहार में सबसे अच्छा नेता कौन है? दुलालचंद गोस्वामी को जानते हैं? हाँ वो तो जीत के गया है। अच्छा कैसा काम किए?
काम कहाँ किया है, हम लोग के लिए काम ही नहीं किया, खाली सरकारी काम होता है, जनता के लिए कोई काम ही नहीं है। सरकार आप लोग के लिए कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम करे छे। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो इस बार आपके घर में क्या है, किसका किसका माहौल है? अब माहौल मतलब जिस जैसा भाग दे छे वो कैसा भाग दे छे। पिछले बार किसको दी थी? वही मोदी सरकार का। हाँ मोदी सरकार, मोदी सरकार का। इस बार? अब इस बार अभी पता नहीं है, जो देगा सबको उसी को दे देंगे। ठीक है भैया। ये कौन सा जगह है? ये बरारी हुई है, बरारी का मोहल्ला पोखर, आगे पोखर टोला है। पोखर टोला क्या है इस बार आपके यहाँ कटिहार में? कटिहार ये। अच्छा बीजेपी के आप समर्थक हैं कि जेडीयू वाले हैं? नहीं नहीं, हम लोग बीजेपी के समर्थक, बीजेपी वाले हैं। तो ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में ऐसा बहुत जगह पे कहा जा रहा है कि जेडीयू का जहाँ कैंडिडेट है वहाँ बड़ा नाराजगी है कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी के कैंडिडेट ऐसा? सर कुछ नहीं है, हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। और बाकी यहाँ कोई मुद्दा है हिंदू मुसलमान के अलावा? ना यहाँ और कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ एक ही मुद्दा है कि बस अब घाट गंगा घाट का पुल बन जाए त्रिपेदी का। सरकार कैसा काम किया आप लोगों के लिए, झोपड़ी के लिए, गांव के लिए, मोहल्ला के लिए? कहाँ कुछ करा है? हाँ कुछ नहीं करा है। क्या क्या मिलता है सरकार से? हाँ क्या क्या मिलता है? कौन सी मिल रहा है, खाली वही राशन कभी कभी मिलता है, चावल और कौन सी मिलता है। आपका सांसद कैसा काम किया 5 साल बीते? दो कुछ नहीं करा। हाँ कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। दुलालचंद गोस्वामी उसमें हम लोग क्या करेगा, गरीब आदमी को क्या कोई साथ नहीं देगा। गरीब आदमी के लिए नीतीश कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए करते हैं हम लोग काम, कुछ नहीं, कोई नहीं करता है। हाँ कोई नहीं करता है। फिर हम क्या खाते हैं चार? हाँ और कौन सी खाते हैं? बिजली बिल देवे करता है, कहता है 3 साल के छुट्टी है। अच्छा शुरू में लगाया तो कहा कि 3 साल का छुट्टी है, 3 साल नहीं देना पड़ेगा, उससे छुट्टी नहीं मिला। तो सरकार कैसा की है? फ्री वाला चार देता है मोदी, नीतीश कुमार देता है, मोदी देता है, वही फ्री वाला चार। और कौन चीज देता है? और कुछ नहीं देता है। क्या देता है गरीब को, कौन चीज देता है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग सरकारी पोखर पर है, भगा देगा, कल कहाँ जाएंगे हम लोग, चरने जाएंगे कि रेलवे पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब सरकार सरकार को वोट देते वक्त नहीं ये पूछती है कि हमारे सरकार तो वोट ले लेता है, गद्दी पर जाके सब बैठ जाता है, कहता है बाप रे हमारा ऐसा कोई नहीं है, अरे गरीब से यहाँ ऐसे ऐसे करता है, करता है ऐसे खुरपी रे कचिया रे करता है, अच्छा खाता है, मजूरी कट के खाता है। नीतीश भाई आरो लालो आरो कौन है से अपन बैठा है गद्दी पर। तो वोट वोट देते वक्त पूछती नहीं है कि हमारे लिए क्या आएगा, जैसे आप आए हैं अखनी आएगा नीतीश कुमार लालू यादव चाहे कोई, तब उसको पूछेंगे, पूछिएगा इस बार वोट देने के पहले ना। हाँ पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे तो आपके हमको घर खेत था जमीन था गंगा जी में कट गया, हम लोग को भाग के यहाँ। आपके बिरादरी से मुकेश सहनी तो है तो नेता? मुकेश सहनी है ना, तो कौन चीज हम लोग को दिलाता है, कुछ दिलाता है? मुकेश सहनी से बोले हैं कि हमारे बिरादरी के लिए कुछ करो? ना हम नहीं जाते जाते हैं, मुकेश सहनी है ठीक है, उससे हमको मतलब है ठीक है, मुकेश सहनी हमको आवाज उठाते हैं, यहाँ से आवाज सुन नहीं रहे हम लोग को, हम लोग हैं यहाँ गरीब परिवार से हैं, ऐसा काटने करते खाते हैं, मुकेश सहनी है, लेकिन एक बार भी देखने के लिए यहाँ आता है तब ना। और ये दुलालचंद गोस्वामी आए देखने? यहाँ पे नहीं आया। कौन आया यहाँ देखने? यहाँ को अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए, हम लोग वोट देने को तैयार है, वोट देने के लिए तैयार है, कोई देखने के लिए वोट मांगने वाला आया ही नहीं है? आया ही अभी नहीं है, लेकिन हर साल जो होता है आता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ टूटी है सब्जी है, उसके लिए कोई आदमी चाहता नहीं है। सरकारी चार फ्री में खिला रहा है, बाकी रेट मेरा है कि हम लोग का बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता है, बूढ़ा गए हम लोग खाएंगे क्या बताइए, वृद्धा पेंशन हाँ नहीं मिलता है हमको। अच्छा हाँ। तो इस बार नया सरकार आएगा तो मिल जाएगा आप लोग? ठीक है। अच्छा ये बताइए मुकेश सहनी आ जाए तो वोट मांगने आप लोगों से? हाँ भाषण दे रहा था। हाँ भाषण दे रहा था। क्या लग रहा है आप लोगों को, मुकेश सहनी नेता हैं आपके की? मुकेश सहनी तो 1 साल दिया वोट जीता, अब पोखरा पर घूमने नहीं आया कि गरीब मरता है कि जीता है कि क्या है। चलिए ठीक है,
तो डोर टू डोर के तहत हम आपको मलाह समाज के बिरादरी के इलाके में लाए हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। गंगा के कटान के बाद बहुत सारे मछुआरे यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए अलग अलग जगहों पे, कहीं सरकारी ज़मीन पर, लेकिन उनकी समस्या अब भी है। हम इसलिए इस गांव में आए क्योंकि राजनीतिक तौर पर विकासशील पार्टी जो VIP है वो अभी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा रही है, लगातार ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। कौन गांव है ये? रौनिया। रौनिया जी। अच्छा, हम लोग दिल्ली से आए हैं ये जानने के लिए 5 साल सरकार कैसा काम किया आप लोगों के लिए। काम जो क्या किया तक ऐसे बता रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ है। सरकार महंगाई को आकाश पहुंचा दिया है। सरकार महंगाई को आकाश पहुंचा दिया। महंगाई को आकाश पहुंचा दिया। हाँ, आकाश पहुंचा दिया है। 5 किलो अनाज दे कर लोग को चुतिया बना रहा है। तो कहाँ गाली दे रहे हैं? गाली थोड़ा दे रहे हैं। हाँ, तब तो ये बताओ, सरकार तो कह रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ? हाँ? पक्का मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है पक्का मकान अभी? नहीं नहीं, अभी 3 साल ही मुखिया मेरा पंचायत में बना है, 2 साल से कोठे ग्रामीण को नहीं मिल रहा है आवास। तो सरकार करेगी इस बार प्रचंड बहुमत आएगा हमको कटिहार। कोई बहुमत कटिहार में नहीं है, RJD का बहुमत आएगा। अच्छा। हाँ, सांसद कैसा काम किया आपके लिए कटिहार के लिए? कटिहार लेकर हम लोग इंदिरा आवास मिलवे के हम क्या काम करेगा, नहीं रोजी रोजगार मिलवे कर क्या करेंगे बताइए। नहीं इंदिरा आवास है न रोजी रोजगार है, कुछ नहीं। नल का जल तो है, है? नल का जल कुछ नहीं, अपना कल कराए कमा कर क्या दिया, नल दिया काम कुछ नहीं है। तो वोट मांगने आया है लोग आपके पास? वोट बहुत आता है लेने के लिए। वोट तो अभी करता है, बोलता है देंगे, देवे नहीं करता है, क्या देंगे। तो आप देख रहे थे डोर टू डोर का खास कार्यक्रम, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा था बिहार के सीमांचल के कटिहार से। कटिहार में 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। तारिक अनवर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया के उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले जनता दल यूनाइटेड से एक बार फिर दुलाल चंद गोस्वामी हैं जो NDA के प्रत्याशी हैं। ये वो सीट है जहां बार बार राजनीति में कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल होने की वजह से यहां जब भी धार्मिक ध्रुवीकरण होता है यहां इंडिया गठबंधन या RJD और कांग्रेस को नुकसान होता है, और इसीलिए 2014 में मोदी की आंधी में जीतने वाले तारिक अनवर 2019 के लोकसभा चुनाव में 57,000 वोटों से हार गए थे। इस बार काफ़ी कांटे की लड़ाई कही जा रही है, यादव मुसलमान और इस बार मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटों के जातिगत समीकरण के जरिए यहां फिर से इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराएगा, लेकिन कोशिश है नीतीश कुमार के साथ निश्चय, मोदी की गारंटियों के जरिए एक बार फिर NDA की कोशिश है कि कटिहार से एक बार फिर वो संसद की देरी तक पहुँचे। 4 जून तय करेगा कि लोकसभा में कटिहार का प्रत्याशी कौन होगा और किसे जीत मयसर होगी। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ और संसदीय क्षेत्र से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। हमारे डोर टू डोर का खास कार्यक्रम आप News24 के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, और YouTube चैनल पर भी आप डोर टू डोर News24 का एक खास कार्यक्रम, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News24।